हाय एवरीवन, पूजा के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो ये वीडियो आप लोग एंड तक देखना, कुछ स्पेशल वीडियो है जो कि दिवाली में आपको काम आएगा। ये है हम बना रहे हैं आज करंजी। तो करंजी की रेसिपी इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को भी इजी लगेगा। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर टेस्ट अच्छा चाहिए तो। इस तरीके से हमने पहले 1 किलो मैदा ले लिया है, उसमें हमने ऑयल डाल लिया है। ऑयल अच्छे थोड़े क्वांटिटी में डाला है जो कि इस तरीके से थोड़ा थिकनेस हो जाए, और थोड़ा पानी पानी डाल के हमने आटा की तरह उसे गूंद लिया है, जो कि ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा वो हार्ड भी नहीं, नॉर्मल में आपको आटा जैसे गूंदते हो। फिर 1 किलो हमने खोआ ले लिया है, और फिर जो कि अगेन 1 किलो हमने रवा ले लिया है। रवे को हमें घी में भूनना है, को पाव पाव किलो आपको लेना है, और सबको कट करके अलग अलग 2 चम्मच घी में भून लेना है, और हल्का सा जब लाल हो जाएगा तो उसके बाद में आपको इस तरीके से दिखने लगेगा, जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। आपको शक्कर भी पीसी हुई लेना है, जो कि आधी किलो। ये लाल हमारा हो चुका है, सब ड्राई फ्रूट थोड़ा सा लाल दिखे ने, इस तरीके से भूनना है सबको, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में। देख के तो इतना प्यारा लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है अभी ही मैं खा लूँ, बट मैंने अपने आप को रोक के रखा है, नहीं पहले मैं अब वीडियो निकाल लूँगी, आप सबको शेयर करूँगी, उसके बाद ही मैं खाऊँगी। तो ये वीडियो आप लोग एंड तक देखना कि आप लोग भी इसे इस तरीके से बना के देखना, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने बेल के रख लिया है, क्योंकि करना मुझे अकेले था, तो इस तरीके से फील करने के बाद में दिखेगा आपको सेमी सर्कल के जैसे। तो फील कैसे करना है, आप लोग भी जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए घर पे। अभी हो चुका है हमारा बना के, अब मैं इसे तेल में फ्राई कर रही हूँ। तो एक एक डाल के मैं ऐसा फ्राई कर रही हूँ, मतलब एक साथ में अपना 4 या 5 पीस, कि उसको हम टर्न भी करें तो हमें प्लेस मिले प्रॉपरली टर्न करने के लिए, ना कि वो फटे। तो इस तरीके से मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं कि एक साइड पूरा पकने के बाद ही हमें टर्न करना है। मन कर रहा है जल्दी से निकालूं और गरम गरम मैं खाऊं, और ये आप लोग का भी मन कर रहा होगा जरूर। हो चुका है हमारा करंजी बनके ऐसा लाल, एकदम भी लाल नहीं करना है, पर पक जाए, थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, ऐसा हमें लाल करना है। और फाइनली हमने निकाल लिया है, और अब मैं इसे खाने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। तो ये मन आपका भी कर रहा होगा जिसको करंजी बहुत पसंद है, राइट? तो मैं भी यही चाहूंगी कि आप लोग भी मेरा रेसिपी देखो और घर पे ट्राई जरूर करो। बहुत इजी है, पर थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक